गुजरात के सूरत शहर के पाल इलाके में शनिवार दोपहर 5 मंजिला इमारत ढहने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के अभी भी मलबा में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना स्थल पर कल दोपहर से ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। सूरत के डीएसपी राजेश परमार ने कहा कि बचाव अभियान 12 घंटे से चल रहा है। एक महिला को बचा लिया गया है और 7 शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। सूरत के मुख्य अग्निशामक अधिकारी बसंत पारिक ने रविवार सुबह कहा कि सूरत नगर निगम की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कंट्रोल रूम में शनिवार दोपहर 3:55 पर एक 5 मंजिला इमारत ढहने का कॉल आया था। इमारत का साइज देखकर हमने ब्रिगेड 4 डिक्लेयर किया था। उसमें करीब 80 फायरमैन और 20 फायर ऑफिसर के साथ निगम की सभी टीमों के कर्मचारी तुरंत यहाँ पहुँच गए थे। हमने यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया और बड़ी मेहनत के बाद एक महिला को जिंदा बचा लिया। 3:55 पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कॉल मिला था कंट्रोल रूम में, और 5 माले की बिल्डिंग जो है कोलैप्स हुई है। तो इसका साइज देख के और ब्रिगेड कोर डिक्लेयर किया था हमने, उसमें 80 के आसपास फायर के जो फायरमैन वगैरह है वो थे और 20 के आसपास जो फायर ऑफिसर्स थे, और हम लोग बाकी कॉरपोरेशन के सभी टीम जोनल हेड है और जोन से है जो भी, सभी लोग यहाँ पहुंच गए थे। पुलिस प्रशासन से सभी लोग पहुंच गए थे, कलेक्टर कचहरी से सभी लोग पहुंच गए थे। उसके बाद में हमने सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसमें एक लेडी की आवाज आ रही थी अंदर से, और जो फायरमैन है उसमें लाइट वेट वाला और काफी रिस्क लेके जहाँ कैविटी मिली वहां पे डिब्रिज निकालता हुआ अंदर गया और उसके पैर दिखाई दे रहे थे लेडी के, तो पैर पकड़ने के बाद में और इस जो फायरमैन था इसके पैर बाकी फायरमैन ने पकड़ के उसको ड्रैग करते हुए बाहर निकाला और लेडी बड़ी सेफली, उसको कोई इजा वगैरह नहीं है, बाहर निकाला। उसके बाद में ये सर्च ऑपरेशन ऑल नाइट चला और अभी करीब लास्ट जो डेड बॉडी निकली है वो 6 बजे के आसपास निकली है और 7 डेड बॉडी रिकवर किए, क्योंकि वो स्लैब पूरा नीचे गिर गया था और सभी लोग उसमें दबे हुए थे स्लैब के नीचे। वहीं एनडीआरएफ इंस्पेक्टर बाबूलाल यादव ने कहा कि हमें 5 मंजिला इमारत के ढहने की सूचना मिली थी और मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की भी। 7 शव निकाले गए हैं और एक व्यक्ति को जीवित भी निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम ये नहीं बता सकते कि कितने और लोग फंसे हुए हैं, लेकिन संख्या बढ़ सकती है। अभी प्री मानसून सत्र को देखते हुए एनडीआरएफ का एक टीम ओलपाड़ सूरत में डिप्लॉयमेंट पहले से ही था। कल हमको 84 मामलादार श्रीमान पारितोष जी से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक 6 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और उसमें कुछ विक्टिम्स फंसे हुए हैं, तो हम तुरंत यहाँ आए और हम 4:30 के लगभग पहुँचे और तभी से कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। 7 विक्टिम्स अभी तक रिट्राइव किए गए हैं और अभी जैसा आप देख रहे हैं कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक फायर डिपार्टमेंट द्वारा लाइव विक्टिम भी हमारे आने से पहले एक रिट्राइव कर लिया गया था और अभी कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक लाइव विक्टिम और 7 विक्टिम्स निकाल लिए गए हैं। अभी कितने फंसे होंगे वो तो क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन अभी ऑपरेशन चालू है, अगर और भी हो सकता है संभावना जताई जा रही है। मलबा हटाने में तो अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 2-3 जेसीबियां चल रही हैं, अभी जल्दी काम खत्म होने की संभावना है। रिपोर्ट्स की माने तो सूरत शहर में ये घटना शनिवार दोपहर करीब 2:45 पर हुई। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इमारत का निर्माण 2016-17 में ही हुआ था। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कल बताया था कि इमारत ढहने के तुरंत बाद एक महिला को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि रात में मलबे से एक व्यक्ति का शव निकाला गया। उन्होंने कहा करीब 5 फ्लैटों में लोग रहते थे, जिनमें से ज्यादातर इस इलाके के कारखानों में काम करने वाले लोग थे। जब बचाव कार्य शुरू हुआ तो हमें फंसे हुए लोगों की चीखें सुनाई दी। हमने मलबे से एक महिला को निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया। बाद में व्यक्ति का शव बरामद किया गया। तो अभी जितने भी अलग अलग ग्रुप यहाँ पर रहते थे, लगभग
30 में से 5 फ्लैट में लोग रह रहे थे, ऐसी जानकारी जो यहाँ पर रहने वालों के थ्रू हम लोग को मिली। किस एरिया में जो बिल्डिंग थी उसके लेफ्ट साइड राइट साइड कहाँ पर रहते थे, किस फ्लोर पे, उनके जानकारी के आधार पे ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें जो सारी कॉर्पोरेशन की टीम, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, सारे इक्विपमेंट्स लेकर, एडवांस इक्विपमेंट लेकर हम लोग सबका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। टोटल जो अभी अलग अलग बयानों से अपने को जानकारी मिली है कि 6 से 7 लोग जो है अंदर फंसे थे जो है, जिसमें 3 डेड बॉडी अभी तक रिट्रीव की गई है, 1 महिला इंजर्ड हालत में ली गई जिसकी स्थिति अच्छी है, अभी भी 3 से 4 डेड बॉडी का एक अंदाज है। और जिस ढंग से जो ये लोग सारे लोग जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, और चूंकि ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी तो बिल्डिंग लगभग पूरी एक सैंडविच जैसा पूरा गिर के इस तरह कर दिया। अब बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को लेकर जो है एक नोटिस भी इशू की गई थी, ऐसे जानकारी में आया जो है कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस भी दी गई थी, तो उसमें जो भी निष्कार्जी उसके हिसाब से हम FIR दर्ज करने जा रहे हैं और जो भी आरोपी है उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए फैसिलिटी टीम वगैरह भी सब आके सैंपलिंग जो करना था, जो भी उनको करना था उन्होंने कर लिया है, तो आने वाले समय में हम लोग जो कायदा की फौजदारी कार्रवाई करने जा रहे हैं।